स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माई गार्डन में। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट डोरंटा प्लांट के बारे में है। इसमें छोटे छोटे फ्लावर है वो खिलने लगे हैं और आज मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। वैसे तो ये प्लांट है वो दो दिन पहले ही अभी खिले हैं और भी कुछ कलियाँ है उसमें लग चुकी है, तो अब ये समर के सीजन में अच्छी तरह से फ्लावरिंग है वो बनाने लगा है। तो गाइस, आज हम डोरंटा प्लांट के बारे में ही केयर और इसकी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले गाइस, इसके गमले की बात की जाए तो वैसे तो मैंने एक कलर की जो बोतल या डिब्बा खाली पड़ा था तो उसमें ही ग्रो कर दिया है। वैसे इसके लिए आप कोई भी अपने चॉइस की सबका गमला है वो ले सकते हो, लेकिन ये प्लांट धीरे धीरे बड़ा हो जाए तो उसके बाद इसमें से आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी यदि गमला छोटा हो तो। उसके बाद गाइस, इसकी मिट्टी की बात की जाए तो इसके लिए वैसे तो ये कोई भी मिट्टी में आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है, लेकिन यदि आपने इसे गमले में सर्वाइव किया है गाइस और हम गमले में ही बड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए वेल्डन मिट्टी है उसका ही प्रयोग कीजिए, क्योंकि इसकी ड्रेनेज सिस्टम अच्छी रहेगी तो ये ज़्यादा पानी की वजह से मर ना जाए। इसलिए हमें गमले में यदि ग्रो करना हो तो अच्छी वाली वेल्डन मिट्टी का ही प्रयोग कीजिए। और उसके बाद गाइस, इसमें पानी की बात करूँ तो वैसे तो एक भूसी प्लांट है, कम पानी में भी ये आसानी से ग्रो हो जाएगा, पर गर्मी का थोड़ा मौसम हो तो आप थोड़ा ख्याल रखते हुए पानी है वो रेगुलर भी इसे दे सकते हो। वैसे ज़्यादा पानी की इसे ज़रूरत नहीं है और ओवर वाटरिंग तो इसे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, पर मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट रहे इस प्रकार का आप गर्मियों के सीजन में वाटरिंग है वो कर सकते हैं। वैसे इसे गाइस पानी बहुत ही कम भी मिलेगा तो भी इसके लीव्स है या इसकी ब्रांचेस है वो तुरंत ही नहीं मुरझा जाएगी, तो ये एक प्रकार का बूसी प्लांट है और बहुत ही कम केयर के साथ भी ये ग्रो होता रहेगा। और गाइस, इसमें धूप छाव की बात करूँ तो ये प्लांट धूप को बर्दाश्त करने वाला प्लांट है। इसे आप यदि 4-5 घंटे की जहाँ धूप आती हो उस जगह पर भी रखेंगे तो भी ये आसानी से ग्रो होता रहेगा। और ज़्यादातर शायद आपने देखा भी होगा कि इसका यूज़ है वो बॉर्डर सजाने के लिए होता है, तो उस जगह तो इतनी केयर भी नहीं होती है। हमने तो ये गमले में ग्रो किया है तो थोड़ी केयर भी हुई है, अदरवाइज़ तो बॉर्डर इलाके में तो इतनी केयर भी नहीं होती है तो भी ये आसानी से ग्रो होता रहता है। उसके बाद गाइस, इसमें फल फूल की बात की जाए तो आप देख ही रहे हो कि इसमें छोटे छोटे फ्लावर है वो आते ही रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और इसकी अलग अलग वेराइटी भी आपको मिल जाएगी। ये एक हेज प्लांट है और ये प्लांट थोड़ा फैलता भी है गाइस, और यदि बोनसाई शेप में यदि मिल जाए तो इसका बोनसाई भी बनाया जा सकता है। उसके बाद गाइस, इसमें मौसम की बात करूँ तो ये प्लांट है वो असल में पूरा साल कभी भी आप इसे लगा सकते हो और कटिंग से ये इजी टू ग्रो है, साथ ही मीडियम गति से बहुत ही कम केयर के साथ ग्रो होता रहेगा। और वैसे बारिश का मौसम में यदि लगाया जाए तो ये थोड़ा जल्दी ही ग्रो हो जाएगा और रिजल्ट भी बेटर मिलेगा, और आप चाहो तो पूरा एनुअल भी इसे ग्रो कर सकते हो। उसके बाद गाइस, इसमें फर्टिलाइजर की बात करूँ तो ये प्लांट है वो एक हैवी फीडर प्लांट है। यदि आप फर्टिलाइजर नहीं दोगे तो भी ये आसानी से सर्वाइव होता रहेगा, और हमने गमले में ग्रो किया हो गाइस तो अच्छी वाली मिट्टी का ही प्रयोग कीजिए और इसकी ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छी रखे तो आप कम खाद भी दोगे तो भी ये आसानी से ग्रो होता रहेगा। और आप यदि इसे फर्टिलाइजर देना चाहो गाइस तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे काव डंक है, वर्मी कंपोस्ट है या तो कोई केमिकल फर्टिलाइजर है वो दे सकते हो, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद गाइस, इसमें कोई जंतुनाशक की या कोई डिसीज़ की या पेस्ट की बात करूँ तो ज़्यादातर इस प्लांट में कोई ऐसे डिसीज़ तो आते नहीं है और मेरे प्लांट में तो अभी कभी आया ही नहीं है। और गाइस, आपने ज़्यादातर देखा ही होगा कि इसे ग्राउंड सजाने के लिए या बॉर्डर कवर करने के लिए ग्रो करते हैं तो वहाँ तो ऐसी कोई केयर भी नहीं होती है, तो ज़्यादातर मौसम में तो कोई ऐसा पेस्ट या फंगिसाइड का अटैक बनता नहीं है। पर यदि आप चाहो तो इसे प्रूनिंग करते रहो और कोई अच्छे शेप देना चाहो तो आप जरूर ही इसे अच्छा शेप है वो दे सकते हो तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा, और यदि हो सके तो इसे अच्छा लुक शेप देना ही चाहिए। साथ ही आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दोगे गाइस तो भी कोई अर्ज नहीं है, फिर भी ये ग्रो होता रहेगा, लेकिन इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी हो गाइस तो बारिश का मौसम नज़दीक हो उस टाइम ही करनी चाहिए तो ये जल्द से फिर से ग्रो होने लगेगा। वैसे ये बिना प्रूनिंग के एक जंगली प्लांट की तरह दिखता है तो आप कोई भी अच्छे वाला इसे शेप जरूर दे सकते हो। उसके बाद गाइस, इसमें कोई मेंटेनेंस की बात करूँ तो ये प्लांट है वो आपको कोई मेंटेनेंस वाला प्लांट है ही नहीं, एक बार लगा दिया जाए गाइस तो ये बरसों तक ऐसे ही बिना केयर के भी चलता रहेगा। साथ ही बूसी प्लांट होने के कारण इसकी कटिंग है वो आसानी से लग जाती है
और ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई थिकनेस वाली कटिंग लेनी पड़ेगी, मीडियम साइज़ की जो भी कटिंग होगी तो भी ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो ये ऐसा कोई मेंटेनेंस वाला प्लांट नहीं है कि ज़्यादा इसमें कोई खर्च वगैरह आएगा आपको। और गाइस जैसे इसके फ्लावर सुंदर दिखते हैं ऐसी उसकी पत्तियाँ भी खूबसूरत दिखती है, तो इसकी पत्तियाँ और फूलों से ये प्लांट है वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो गाइस आशा रखता हूँ कि ये खूबसूरत डोरंटा प्लांट के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी होगी। गाइस आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ऐसी कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।